कहना चाहेंगे आप? हाँ, मेरे जैसे कई मिलियन लोग उनके फैंस हैं, एंड मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमेशा से सिद्धार्थ भाई का एक ही मैसेज रहा है, हेटरेट को अडेप्ट ना करे, उसे जस्ट जाने दे, आप में जो पॉजिटिविटी है लाइफ में, जो भी पॉजिटिव हो रहा है उसे देखे, एंड लेट्स इट प्रॉब्लम्स को फेस करें। तकरीबन कितने बजे आपको ये खबर पता चली कि सिद्धार्थ शुक्ला जी जो है हमारे बीच? मुझे मॉर्निंग में ये पता चला, एंड तब से इट इज़ हार्ड टू एक्सेप्ट, दिल दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि ये अभी भी सच है। और कहाँ से आई हैं आज आप? मैं कांदीवली से आई हूँ। एक वो लम्हा था जब वो बिग बॉस विनर हुए थे, आज वो एक लम्हा है, कुछ कहेंगे आप? दोनों बहुत ही अलग सिचुएशंस है, एंड लाइफ इज़ अनप्रिडिक्टेबल, सो जस्ट आगे बढ़िए, जो अचीव करना चाहते हैं वो कीजिए, एंड जो भी फैंडम्स है, पेजेस है, एक ही मैसेज है, प्लीज़ हेटरेट ना फैलाए, जो भी कुछ होता है ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, जस्ट जो हमारा प्यार है सिद्धार्थ के लिए, सिद्धार्थ के लिए, शहनाज के लिए, दोनों के लिए, उसे बरकरार रखें। दैट्स इट। कभी मिली थी आप उनसे या कभी फोटो या नहीं, देखने का मौका मिला कभी? और मैं उनको कभी अपनी आंखों से देखा था? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है, और ये मेरे सबसे लाइफ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहेगा हमेशा से कि मैं उन्हें कभी मिल नहीं पाई। अगर मैं आज उनको देखूँगी भी तो उनके लास्ट राइट में जाते तो कुछ कहेंगे आप सिद्धार्थ शुक्ला जी को? मैं सिर्फ कहना चाहूँगी कि वही जैसे सिद्धार्थ ने हमेशा से ही हमें मोटिवेट किया है, वो चीज़ अपने साथ रखे, एंड बस उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करें।